मैडम इनको बड़ी रोकने की कोशिश की है मैंने, लेकिन ये हर जगह अपने बाप की जागीर समझते हैं। आप जाइए। मेरे बाप तक मत पहुंचना, सुना तुमने? क्यों? बाप का नाम सुनकर तकलीफ होती है? तकलीफ तो मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हो रही है। जरूर होती होगी, आपकी कोशिश जो पूरी नहीं हुई। आपको लगा कि अब मैं जिंदा कहां रहूंगी? आप इस वक्त अपने आउटहाउस में नहीं खड़े, ये मेरा ऑफिस है, इसलिए तुम और तुम्हारे जैसे अल्फाजों से गुरेज करें। मैं आपसे तमीज से बात करी हूं, आप भी मुझसे इज्जत से बात करें। आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और आपको ये पर्सनल लग रहा है? तो घर जाकर पर्सनल और प्रोफेशनल की डेफिनेशन सीख कर आए। तो डिफेंड कर लेना खुद को, किसने रोका है आप? मेरे फैक्ट्स को झुटला दें, एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दें। करूंगा। यही तो आता है आपको, गलत को सही और सही को गलत साबित करना। एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दे। करूंगा महापारा। अब तो जरूर करूंगा। लो, अरे देख लिया तुमने? अरे ये वही हैं जहाँ पे मापारा रहा करती थी, वहीं जहाँ पे वो रहमत भाई नौकरी करते थे। तुम्हें किसने कह दिया? क्या सारी दुनिया में फजल बिल्डर एक ही नाम होगा? उस दिन वो आपा की तरफ गया था ना, तो वो बता रही थी कि रहमत भाई के जनाजे पर इन्हीं की तरफ गई थी वो। अच्छा, होंगे भाई, ऐसी तो धानलियां कर करके बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि जब लोग अपने कारोबार में इतनी धानली कर सकते हैं, तो लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा इशारा अगर महापारा की तरफ है, मैं नहीं मानती कि उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा। क्यों, महापारा के साथ क्यों गलत नहीं हो सकता? अब खुद सोचो, जो इतने बड़े घराने में जुड़ने के ख्वाब देखती हैं, तो ख्वाब हकीकत तो नहीं हो जाते ना? और वैसे भी ये अमीर अमीर बाप के बेटों को क्या कमी है लड़कियों की अपने हम पल्ला रिश्तों की, जो इससे कोई करता? और वैसे भी जो गरीब लड़कियां होती हैं ना, सारी उम्र अमीर लड़कों को पटाने के चक्करों में ही लगी रहती हैं। हाँ भाई, अपनी हैसियत से कम तो बेरोजगार बेटों की माँ भी नहीं कबूल करती। ये तो फिर अमीरजादे हैं। अब बोलना नहीं, चुप करके टीवी देखो।